हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट मैं हूं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन एंगेजिंग सरोजनी नायडू द पोएटिस एंड द नेम ऑफ द पोम इज फिशर्स नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिशरमैन देयर लाइफ बट इट्स लाइक अ मेटाफोरिकल सिचुएशन मतलब हम बात करेंगे फिशरमैन की किस तरीके से वो उठते हैं किस तरीके से वो जो है अपने काम के लिए जाते हैं अपने कंफर्ट जोन से अलग हट के वो जाते हैं लेकिन यहाँ हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों से जिन्हें सरोजनी नायडू एक तरीके से इवोक कर रही हैं कि जाओ और अपने देश के लिए लड़ो लेकिन ये किस तरीके से होगा ये हम जब पोम को रीड करेंगे तब हमें समझ में आएगा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वंडरफुल पोम चैप्टर फोर ऑफ योर बुक

फ्रीडम फाइटर्स होते थे वो इतने ज़्यादा प्रोवोक हो जाते थे कि उनको लगता था कि बस कोई आए सामने और वो जो हैं उनको धराशाही करें और आगे अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट करें मतलब उनकी सारी जो पोम्स होती थी उसमें इतना ज़्यादा इमोशन होता था उसमें इतना ऐसा लगता था कि हर एक वर्ड में मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है हर एक वर्ड में स्ट्रेंथ है पावर है शी इज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगल ऑफ इंडिया The so, nightingale is a beautiful bird who sings, right? So she was known as the nightingale of India. She wrote about humble folk living ordinary but vivid lives. So she wrote about humble folk living. उन्होंने जो normal lives होती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अलग-अलग तरीकों की lives के बारे में लिखा है। हर फेमस पोम्स इनक्लूड इंडियन वीवर्स एंड इन दजारदराबाद उनकी जो काफ़ी जो फेमस पोम्स हैं उनमें ये दो भी हैं इंडियन वीवर्स और द बाजार ऑफ हैदराबाद सदोशनी नायडू एक बहुत छोटे से गाँव से हैं और मतलब वो भी जो है ये ये जो कोस्टल एरिया से हैं तो वहाँ पर उन्होंने फिशरमैन को फिशरमैन को देखा है उनकी लाइफ देखी है एक्सक्यूज मी किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए हैं एक मीगर इनकम के लिए फ़िशरमैन इतना टाइम तक इतने घंटों तक वो लोग हंट करते हैं फ़िशिंग करते हैं और फ़िशिंग करने के बाद उनको कितना पैसा मिलता है उस चीज़ का बहुत कम लेकिन उसके बाद भी वो हर दिन उतने ही इनक्रेज होकर उतने उतने हीज़म के साथ वापस जाते हैं उनके लिए वो जो सी है वो एक मदर की तरह है उनके लिए जो स्काई है उनके लिए जो क्लाउड्स हैं ये सब एक रिलेशनशिप है उनका इन सारी चीज़ों के साथ इस्पेक्टिव ऑफ लाइक द फैक्ट कि ये सब जो है नेचर का एक पार्ट है उनके लिए ये ऑलमोस्ट एक जो हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन उस तरीके का होता है किस तरीके से ये हम पढ़ेंगे इस पोम में नाउ सदोशनी नायडू रोट अबाउट पीपल हु लीड डिफ़िकल्ट लाइफ सदोशनी नायडू ने जैसे वुमेन के बारे में लिखा है या ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जो बहुत मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं बट टीचर्स इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज़ इन द वे दे ओवरकम दे हॉस्टाइल इन्वामेंट लेकिन उनकी लाइफ के थ्रू वो हमें एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू सिखाते हैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देखते हैं किस तरीके से वो हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट को ओवरकम करते हैं किस तरीके से वो इतने डिफ़िकल्टवायरमेंट में भी सर्वाइव कर हैं इन दिस पोम द स्पीकर इंस्पायर्स हिज फेलो फिशरमैन टू टेक देयर बोट्स आउट टू सी लिविंग बिहाइंड द कंफर्ट ऑफ लैंड तो इस पोम में वो इंस्पायर कर रही हैं अपने फिशरमैन को कि निकलो घर से बाहर निकलो उस कंफर्ट को छोड़ो और जाओ सी में जाओ सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोम यहाँ पे हर एक लाइन को आपको बहुत ध्यान से समझना है हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू हम एक एक स्टैंडा रीड करेंगे उसका एक एक लाइन समझेंगे हर स्टैंडा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड पूरी पोम को हम इसी तरीके से कम्प्लीट करेंगे ना वाई आर वी डूइंग दिस हम एक साथ लास्ट में समरी भी देखेंगे फिर हम उसकी राइमिंग पैटर्न देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे सब कुछ देखेंगे लेकिन क्या होता है जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडा लिखा है फर्स्ट आंसर के बाद इसका एक्सप्लेनेशन जब आप देखोगे जिसमें हमने रा, जो राइमिंग स्कीम नहीं जो लिटरेरी डिवाइजिस है उन्हें भी इंक्लूड कर दिया है कि, कि किस लाइन में हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं सो so, इससे आपको कोई भी कॉन्टेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा जैसे मान लो ये टू लाइन्स दे दिया ये टू लाइन्स दे दी आप आंसर कर पाओगे क्योंकि हर एक लाइन का आपका मतलब बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा सो नाउ लेट्स बिगिन विद विदाप पोम Rise, brothers, rise. The wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. नाउ हियर इन राइज ब्रदर्स उठो भाइयों उठो सो इन अ वे शी इज आस्किंग द फिशरमैन टू राइज मतलब टू गेट अप फ्रॉम द स्लीप द वेनिंग स्काई स्प्रे टू द मॉर्निंग लाइट तो ये वेकनिंग स्काइज मतलब यहाँ पे जो जागता हुआ स्काई जो है वो मॉर्निंग लाइट को प्रे कर रही है बेसिकली शिवानसु से कि अब सुबह हो रही है द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन जो विंड है वो एक छोटे बच्चे की तरह सुबह की गोद में सो चुकी है मतलब रात भर तूफान सा था एक ऐसा लाइक अस चाइल्ड हु हैज़ क्राइड ऑल नाइट तो जैसे एक बच्चा जो है वो जो रात भर बहुत जोर से रोया है किस तरीके से वो सुबह अपनी माँ की गोद में सो जाता है उसी तरीके से विंड जो रात भर तूफान की तरह चल रही थी अब सुबह होते ही वो शांत हो गई एक बहुत ही रोते हुए बच्चे की तरह सुबह होते ही वो सो चुकी है कम लेट अस गैदर आर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आर कैटम चलो हम सब सब अपना जो नेट है उसको गैदर करते हैं एंड लेट आर कैटमेर का मतलब क्या होता है अ टाइप ऑफ फिशिंग बोट मतलब जो उनकी स्लीक बोट्स होती हैं अगर आपने कभी भी जो फिशिंग बोट्स देखी होगी उनकी बड़ी स्लीक सी बोट होती है जिसको आप क्या बोलते हो कैटेमेरन्स सो so ये जो कैटेमेरन्स है इनको हमें फ्री करना है मतलब चलो हमें स्टार्ट करना है टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड से क्या मतलब है जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं उसमें क्या आती हैं फिश फिश आती हैं तो यहाँ पे लीपिंग वेल्थ इज वॉट इट्स द फिश कि ये जो टाइड है इसमें हमें एक बहुत सारी मछली पकड़नी है तो चलो हम चलते हैं फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी क्योंकि हम कौन हैं हम समुद्र के राजा हैं क्योंकि हम ही हैं जो इतने करेज के साथ फेयरलेसनेस के के साथ सी बीचों बीच जाके जहां पे इतनी हाई टाइड्स आती हैं वेदर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कभी कभी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन हम सब कुछ बैर करते हुए जाते हैं तो हम कौन हैं हम किंग हैं सी के अब आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझाया है मैंने अब हम proper meaning एक-एक तरीके से समझेंगे explanation में। In stanza one, the poet asks the fisherman to rise as the day is about to appear। पहली लाइन का मतलब क्या है rise? उठ जाओ क्योंकि सुबह होने वाली है। She says that the sky, which was sleeping in the night, has woken up and is welcoming the light। Now sky can the sky welcome the light? No sky cannot welcome。welcome एक welcome human

she says that the sky which was sleeping in the night has woken up and is welcoming the light here the poet uses personification by using wakening wakening matlab मतलब uthna human activity hai for the sky a non living thing next she says that the sea wind that leads to the storm is now calm जो sea wind होती है जो रात भर बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो जिसकी वजह से storm आता है अब वो थम चुकी है काम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग जैसी सुबह होने वाली है तो हवा धीरे हो जाती है तो अब उस मॉर्निंग की वजह से जो रात भर ये था, था, विंड थम चुकी है दस द विंड इज जस्ट लाइक द चाइल्ड विच केप्ट क्राइंग थ्रू आउट द नाइट एंड नाउ क्वाइट तो विंड जो है वो उस छोटे से बच्चे की तरह है जो रात भर रोया है और अब शांत होके सो गया है हे आर द पोएट यूज अमिली यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं विंड को एक छोटे बच्चे से तो यहाँ पे यूजिंग द वर्ड लाइक तो ये एक सिमिली है ओके इन दर्ड लाइन द पोएट आज द फिशरमैन टू कलेक्ट दियर नेट्स फ्राम द सी शोज एंड टेक दियर बोट्स बिकॉज द टाइड इज फुल ऑफ वेल्थ फिश सी गल्स एक्सेट्रा का जो क्रैब्स होते हैं और सारी चीज़ें ऑल द लाइक सी जो क्रिएशन होते हैं जिनको वो फे मतलब जिनको वो

Track of the seagull's call. The sea is our mother. The cloud is our brother. The waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god arrives, He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. No longer delay. Ab der mat karo. Like.

इन स्टैंड टू द पोएट आज द फिशरमैन टू डू एवरी थिंग फास्ट पोएट क्या पोएटर्स क्या कह रही है कि जल्दी जल्दी करो सारा काम द गर्ल्स कॉल इज अ सिम्बल यूज टू डिपिक दैट द मॉर्निंग इज़ नियर सीगल जैसे हम लोग बोलते हैं ना मुर्गा कुकड़ू को करता है वैसे ही जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे सीगल का कॉल का मतलब ये होता है कि अब मॉर्निंग होने ही वाली है द पोएट कॉल्स सी एज देअ मदर क्लाउड एज ब्रदर एंड सी वेवस एज देअर कॉमरेड्स दैट इज कम्पेनियंस हेयर अगेन जो पोएट है यूजर्स परसोनिफिकेशन नाउ सी इज़ कंसिडर्ड द मदर यहाँ पे भी वो बोल रहा है द सी इज़ योर मदर यहाँ पे अगेन जो है जो पोएट है वो किस से कंपेयर कर रहा है सी को उसकी माँ से कंपेयर कर रहा है क्यों कर रहा है इट फीड्स देम एंडल्प्स देम टू सस्टेन देअ लाइफ क्योंकि ये जो सी है यही यहाँ पे ही जाके वो फिश को कलेक्ट करते हैं वो फिशिंग करते हैं वो उनको सारा कुछ जो है बेचने के लिए जो है सामान मिलता है जिसको वो बेच के अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं जो फिशरमैन होता है जब वो फ़िशिंग करने के लिए जाते हैं जितना भी सामान वो जो है कलेक्ट कर पाते हैं उन सबको वो बेचते हैं तभी उन्हें पैसा मिलता है उसकी वजह से उनका घर चलता है यहाँ पे एक तरीके से सी उनकी माँ की तरह है जो उनका पेट पाल रही है जो उनको खाना प्रोवाइड कर रही है जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है इसलिए सी को मदर से कंपेयर किया गया है

बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स हो रहे हैं तो उनको ये समझ में आ जाता है दैट कि वेदर जो है अभी बदलने वाला है या वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एंड अकॉर्डिंगली दे डिसाइड वेदर टू गो फॉर फिशिंग और नो तो एक तरीके से वो भाई की तरह उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसीलिए क्लाउड्स को ब्रदर्स से कंपेयर किया गया है एंड द वेव्स आर कंपेनियंस वेव्स को कॉम्रेड्स या कंपेनियंस कहा गया है क्योंकि वो तो जहाँ जहाँ जाते हैं लहरें उनके साथ चलती हैं तो वो एक साथी की तरह हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं द पोएट दस वॉन्ट्स टू से दैट आर ऑल फैमिली एंड हेल्प ईच अदर तो यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि ये जो सी है क्लाउड्स हैं और ये जो वेव्स हैं ये उनकी फैमिली की तरह है जो वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं यहाँ पे है वॉट दो वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स ही हु होल्ड द स्टोम बाय द हेयर विल हाइड इन इज बेस्ट आर लाइव्स अब यहाँ वो बोल रहे हैं शी अजिस अदर नॉट फियर बिकॉज इवन इफ दे कूड नॉट रिटर्न बैक बाय द सनसेट वो सबको बोल रही है कि निकलो कोई बात नहीं अगर हो सकता है तुम सनसेट तक वापस नहीं आ पाओ द सी गॉड विच अकॉर्डिंग टू हर होल्ड्स दी स्टॉम बाय द हेयर विल सेव दैम वो ये कह रही है कि अगर तुम्हें थोड़ी देरी भी हो गई तो कोई बात नहीं क्यों क्योंकि जो सी है ना वो तुम्हारा है ये जो सी गॉड है ना वो उन वेव्स को ये जो सी स्टॉम आएगा अगर रात हो गई तो हवाएं चलने लग जाएंगी उनके लिए रिटर्न बहुत मुश्किल हो जाएगा वो उसको ऐसे हेयर से पकड़ के रखेंगी वो उसको छोड़ेगी नहीं वो स्टॉम को आने नहीं देगी वो तुम्हें पहले सेफली तुम्हें को शोर तक पहुँचाएगी उसके बाद ही वो ये जो विंड है ये जो स्टॉम है उसको रिलीज़ करेगी तो हम इसको देखो इस तरह पे समझते हैं What do we toss at the fall of the सन टॉस का मतलब होता है मूव फ्रॉम साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ तो what do we toss at the fall of the सन क्या हो गया अगर हम जो है जो सनसेट तक थोड़ा लेट हो गए थोड़ा आगे पीछे रह गए वे of ऑफ sea गॉड ड्राइव्स कोई दिक्कत नहीं है क्यों क्योंकि तुमको सी गॉड है तुम्हें जो ड्राइव करने के लिए हेल्प कर रहा है ही the hair, जिसने स्टॉम को उसको पकड़ के रखा है मतलब उसके Under, उसके कंट्रोल में है स्टॉम विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट आर लाइफ वो अपने ब्रेस्ट में हमारी जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करेगा इसका मतलब उसका ब्रेस्ट क्या है सी सी में जहाँ पे हम हैं वो उसका ब्रेस्ट है और वो वहाँ पे हमको प्रोटेक्ट करेगा वो हमको ऐसे ही सी में जो है घूमने के लिए नहीं छोड़ देगा स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड

स्वीट इज़ द शेड ऑफ़ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव अब वो यहाँ पे फिशरमैन के बारे में बात कर रही हैं कि उन्हें सी बहुत पसंद है क्लाउड्स पसंद है वेव्स पसंद है उसी तरीके से उन्हें लैंड भी बहुत पसंद है वो बोल रहे हैं जो कोकोनट का जो ग्लेड ग्लेड का मतलब क्या होता है एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट तो जहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं और बीच में थोड़ा स्पेस है वहाँ पर उन्हें रेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है एंड द सेंट ऑफ़ द मैंगो ग्रोव और जो मैंगो ग्रोव का जो पूरा स्मेल होता है उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो भी उन्हें बहुत पसंद है एंड स्वीट आर सैंड्स एट द फुल मून विद द साउंड ऑफ द वॉइस वी लव और जब चांद आ जाता है उस वक्त जब आप शोर पे पैर फैला के बैठे होते हो तो कितना अच्छा लगता है इस्पेशली विद द साउंड ऑफ़ द वॉसिस वी लव लहरों की आवाज़ पक्षियों की आवाज़ हवा की आवाज़ ये सारी आवाज़ें हमें बहुत पसंद हैं बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द सब बहुत स्वीट है लेकिन इससे भी ज्यादा स्वीटर क्या है तो ओ oh मेरे भाई उससे भी ज्यादा स्वीट है द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ली तब जब लहरें जो हैं शो से जब टकरा रही हैं तो देखना कभी भी जब लहरों में ऐसा लगता है कि झाग बन गया है बहुत सारा जब बहुत स्पीड से जो टाइड्स हैं जो वेव्स हैं वो टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा फोम बन गया है प्लस जब वो बहुत जोर से स्प्लैश करती है तो आपके चेहरे पे पूरा उसका छींटा आता है तो इट्स लाइक द स्प्रे एंड इज स्वीटर देन द दे मैंगो ग्रोव ऑफ द कोकोनट ग्लेड रो टू द एज ऑफ वर्ज अब वो बोल रहे हैं रो करो आगे बढ़ो टू द एज ऑफ द वर्ज मतलब एकदम होराइज़न तक चले जाओ, where the low sky meets with the sea. जहां पे स्काई और सी ऐसा ऐसा लगता लगता है है वो एक हो गए हैं, है कि दोनों मिल गए वहां तक आगे बढ़ो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इन द फाइनल कोकोनट ग्लेड सेंट ऑफ मैंगो ग्रोव एंड

तो वो ये कह रही है कि जाओ और उस इनफाइनाइट सी जिसका कोई अंत नहीं है उसमें जाओ गो डाइव वर्क वर्क हार्डर बिकॉज यू हैव टू कैच अ लॉर्ड ऑफ फिश यू हैव टू कीप ऑन फिशिंग सो दैट वंस यू कम बैक यू कैन अर्न समथिंग हियर लाइक इन दिस एंटायर पोम पोम द पोएट इज एक्चुअली अर्जिंग आर फाइटर्स फाइटिंग फॉर द कंट्री ये जब उन्होंने लिखी थी तब हमें फ्रीडम नहीं मिला था वी वर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम तो यहाँ पे फिशरमैन की तरह वो किस को बोल रही हैं वो हमारे इंडियन फाइटर्स को सोल्जर्स को बोल रही हैं कि उठो जागो बहुत हो गया बहुत जहली हम जितने जो अंग्रेज हैं उनके अंडर में हमने बहुत काम कर लिया लेकिन अब वापस एक नई सुबह हुई है और जो स्टॉम है वो रुक गया है आगे बढ़ो निकलो अपने घर से अपने कंफर्ट जोन से निकलो और लड़ो जैसे यहाँ पे वो कह रही है कि शी आस्क द फिशरमैन टू डाइव इन टू द इनफाइनाइट सी सिमिलरली शी इज आस्किंग द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री टू गो एंड फाइट विद द न्यूम इन्यूमरेबल सोल्जर्स जो वहाँ पे जो इन जो ब्रिटिश सोल्जर्स है उनसे जाओ और लड़ो उनसे जाओ एंड गेट योर फ्रीडम बैक हो सकता है अभी बैठना यहाँ पे स्वीट है अपने घर में एक जगह कंफर्ट जोन में बैठना काफ़ी स्वीट है लेकिन उससे भी ज़्यादा स्वीट है वहाँ जाके लड़ो उस फाइट को उस करेज को एक्सपीरियंस करो उस फियरलेसनेस को एक्सपीरियंस करो दिस इज ऑल द पोम वॉज अबाउट आई होप यू अंडरस्ट द पोम वेल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो बाकी एक्सप्लेनेशन जो है यू कैन इवन टेक द स्क्रीन शॉट्स योर सो वी स्टार्टेड फ्रॉम योर This was the first explanation, right? Now, here, second stanza, explanation, third stanza, and the explanation. That's it. We are done with the explanation of this poem.

Uh, topic that you are looking for instead of going to you going through youtube pe ten 000 topics a so this is far easier than the youtube one okay thank you so much once again for being with me do not forget to like share and comment and also subscribe take care of yourself bye bye